नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 5D का सॉल्व एग्जांपल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, जिसका फर्स्ट पार्ट दिया गया 3, सेकंड पार्ट दिया गया -5, थर्ड पार्ट दिया गया i एंड फोर्थ पार्ट दिया गया -2i। दोस्तों देखिए, जब कभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस आई बी के फॉर्म में पहले इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जेड लेट करेंगे, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा अब प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में यदि हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा, जहां पे आर क्या होता है, आर होता है मॉडुलस होता है, और थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। ओके, इसके लिए हमें दो चीज का वैल्यू पता होना चाहिए, मॉडुलस का और थीटा का, यानी कि आर्गुमेंट का। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग को दिया गया 3 दिया गया है, इसको सबसे पहले हम क्या करें, ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में। तो रियल पार्ट तो हम लोग को 3 दिया गया है प्लस इमेजिनरी पार्ट नहीं कुछ दिया गया, तो इसको हम क्या करें, 0 इंटू आई लिख लेंगे, और यहाँ पर लेट करेंगे, लेट जेड इक्वल टू 3 प्लस 0 इंटू आई। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे कि रियल पार्ट कितना है, देखिए रियल पार्ट है हम लोगों को 3 और इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे 0। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आई का कोएफिशिएंट होता है प्रॉपर साइन के साथ में, यहाँ प्लस 0 होता है, यहाँ पे 0 लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब इससे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा रियल, सॉरी मॉडुलस ऑफ जेड को हम आर भी बोलते हैं, एक ही बात है, मॉडुलस ऑफ जेड को हम आर भी बोलते हैं, आर इक्वल टू और मॉडुलस ऑफ जेड एक ही बात है, ये हो जाएगा रूट अंडर रियल पार्ट, रियल पार्ट कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 0, तो रूट 9, रूट 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो मॉडुलस का वैल्यू दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए मॉडुलस को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। तो ये 3 आ गया, इसका मॉडुलस आ गया। अब हम लिखेंगे कि देयरफॉर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा। इसके लिए दोस्तों को सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, टेन अल्फा इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन में एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ वाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में एक्स क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स जेड मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कितना है 0 अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट कितना है कॉम्प्लेक्स नंबर का 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू 0 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 0, तो मॉडुलस ऑफ 0, इसको मॉड से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से हम पहले क्या करें, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो टेन अल्फा इक्वल टू 0 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो टेन अल्फा इक्वल टू, टेन के केस में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, देखिए यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं कि टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो टेन से टेन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री, अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया 0 डिग्री निकल गया। अब यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे, लेकिन थीटा निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, सो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। अब बताइए यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, प्लस है, कॉमा इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, प्लस है। ये देखिए दोनों रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों प्लस प्लस है, यहाँ पे ये फर्स्ट ये प्लस है और ये सेकेंड भी क्या है, प्लस ही है। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखिए जब हम लोगों को दोनों साइन प्लस रहेगा तो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला माइनस दूसरा प्लस तो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, दोनों निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस क्या होता है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही होगा जो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, सेकेंड बिलोंग करेगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, थर्ड बिलोंग करेगा तो थीटा इक्वल अल्फा माइनस पाई हो जाएगा, और फोर्थ बिलोंग करेगा थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट बिलोंग करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे सिंस, तो लिखेंगे सिंस जेड लाइज इन, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रंट, जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रंट,
देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा, यानी कि थीटा यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू हम लोग क्या निकल गया 0 डिग्री। अब लिखेंगे देयरफॉर पोलर फॉर्म, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या होता है बताइए, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, आर आर क्या है, आर है हम लोगों को 3 निकला है। देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू कितना निकला है, यहाँ पे ये 3 है, मॉडुलस का वैल्यू कितना निकला 3, ये हो जाएगा हम लोगों को 3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना 0 डिग्री प्लस आई साइन थीटा, थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का, ये हो गया जेड इक्वल टू। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट, देखिए आप सेकेंड पार्ट हम लोग दिया गया -5 दिया गया, इसको भी हम सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पहले क्या है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये रियल पार्ट है, मैंने पार्ट तो नहीं दिया गया, इसको हम क्या करेंगे प्लस 0 × i लिख देंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको हम क्या करें 0 × उतना लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इसको लेट कर लीजिए, लेट जेड इक्वल टू -5 प्लस 0 × i। और लिखेंगे कि देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ मेंशन कर दीजिए कि रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट है -5 एंड इमेजिनरी पार्ट कितना है 0। तो मॉडुलस ऑफ जेड को हम आर भी बोलते हैं, तो हो जाएगा रूट अंडर रियल पार्ट, यानी रियल पार्ट कितना है -5, तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर करें तो 25 प्लस 0, तो जो रूट अंडर 25 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यानी कि r इक्वल टू हम लोग कितना निकल गया 5 निकल गया। और हम लिखेंगे कि देयरफॉर आर्गुमेंट, लिखेंगे देयरफॉर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब क्या होगा थीटा, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ y अपॉन मैक्स, टेन अल्फा इक्वल टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड। अब आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट, देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट हम लोगों को 0 अपॉन में रियल पार्ट कितना है, देखिए रियल पार्ट है कितना -5, ये था इमेजिनरी पार्ट, यह रियल पार्ट, ये हो जाएगा -5। देखिए ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन -5 क्या हो जाएगा 0, इसको मोड से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए टेन के केस में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, यहाँ से टेन से टेन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री। ओके अब देखिए जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे थे ये किस क्वाड्रेंट बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या है -5 प्लस 0 i है, ये क्या है माइनस है कॉमा, इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस में है, ये माइनस कॉमा प्लस है। देखिए माइनस कॉमा प्लस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट बिलोंग करता है, देखिए यहाँ पे माइनस कॉमा प्लस क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट बिलोंग करता है, तो लिखेंगे सिंस जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लिखेंगे यहाँ पे सिंस जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रंट, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, सॉरी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब जेड सेकेंड क्वाड्रंट बिलोंग करेगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 0, तो पाई माइनस 0 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई ही हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया पाई आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर पोलर फॉर्म, थीटा का वैल्यू पता चल गया है, देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है बताइए, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए तो जेड इक्वल टू हो जाएगा आर, आर का वैल्यू कितना है 5, देखिए आर का वैल्यू कितना है 5 है, ये कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा की जगह पाई प्लस आई साइन थीटा यानी कि पाई। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। आई होप दोस्तों ये सेकेंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया कि आई दिया है कि इसको पहले क्या करें, ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे रियल पार्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे रियल पार्ट को नहीं कुछ है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। अब प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना है, आई है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था हम लोगों को, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया, आई दिया गया था। तो इसमें तो रियल पार्ट तो है नहीं, तो रियल पार्ट की जगह हम लोग क्या किया, यहाँ पे जीरो रख दिए। प्लस इसको एजिटी यहाँ से कॉपी कर दिए, यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट जेड इक्वल टू जीरो प्लस आई। और लिखिए यहाँ पे देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ मेंशन कर दीजिए कि रियल पार्ट कितना है, जीरो, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ देखिए आई का कोएफिशिएंट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, वन कर दीजिए। तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, वन। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आई का कोएफिशिएंट। तो आई के पीछे में कोई नंबर नहीं था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कि वन कर दिए। अब देखिए मॉडुलस ऑफ जेड को क्या बोलते हैं, आर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट वन, तो वन का स्क्वायर। आगे देखिए तो जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन का स्क्वायर वन, ये रूट वन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी कि आर का वैल्यू कितना निकल गया, आर का वैल्यू निकल गया हम लोगों को वन। और लिखेंगे कि देयर फॉर आर्गूमेंट, पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे कि टेन अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड। आगे देखिए यह जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट कितना कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी पार्ट कितना है, वन है, अपॉन में रियल पार्ट कितना है, जीरो। आगे देखिए तो जगह टेन अल्फा इक्वल टू वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। वन अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू, उसको मॉडल से बाहर करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब टेन के किस में इन्फिनिटी कितना डिग्री का वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं कि टेन नाइन्टी का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू टेन नाइन्टी का हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन टू लिख सकते हैं। ये टेन से टेन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन टू। ओके अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, पाई अपॉन टू। अब देखिए जब हम लोग अल्फा का वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या कर थीटा का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर आया है क्या है, जेड इक्वल टू जीरो प्लस आई है, या जीरो जेड इक्वल टू जीरो प्लस वन आई है। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, पॉजिटिव, यानी कि दोनों प्लस प्लस है। देखिए रियल पार्ट क्या है, जीरो, पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट कितना है, पॉजिटिव, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। प्लस कॉमा प्लस किस क्वाड्रेंट बिलोंग करता है, देखिए यहाँ पे प्लस कॉमा प्लस बिलोंग करता है यहाँ पे, देखिए प्लस कॉमा प्लस जो है हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइन दोनों यदि प्लस का रहेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इससे आगे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए आगे देखिए यहाँ पे लिखे हैं सिंस जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, पाई अपॉन टू। अल्फा का वैल्यू कितना आया था पिछले पेज में, पाई अपॉन टू आया था। लिखेंगे देयरफॉर पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आर, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जेड इक्वल टू हो जाएगा आर, आर का वैल्यू कितना आया था, वन आया था। ये कॉस थीटा यानी कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख दीजिए जेड इक्वल टू कॉस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं, या वन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही बात है, तो कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। तो ये दोस्तों आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट देखिए, देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट हम लोग दिया गया माइनस टू आई दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में। तो यहाँ तो रियल पार्ट तो है नहीं, इसको क्या कीजिए, जीरो प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना दिया गया यहाँ पे, माइनस टू आई दिया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व कर लीजिए, जीरो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस टू आई हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको लेट कर लीजिए, लेट जेड इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो माइनस टू आई।
बगल में आप मेंशन कर दीजिए कि रियल पार्ट कितना है, जीरो, और इमेजिनरी पार्ट कितना है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आई का कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -2। ओके, और लिखेंगे कि देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर, ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वैसे पुट कर दीजिए, रियल पार्ट कितना है, जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, -2, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर। आगे देखिए, तो हो जाएगा आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड को हम आर लिखेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 0 + 4 हो जाएगा 4। इसको हम लोग रूट से बाहर करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लिख लीजिए कि देयरफॉर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग को 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे यानी कि थीटा का वैल्यू, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर आर्गुमेंट, लेकिन आर्गुमेंट निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए आप इससे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग को टेन अल्फा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, तो इमेजिनरी पार्ट है कितना, -2 अपॉन रियल पार्ट कितना है, 0। आगे देखिए टेन अल्फा इक्वल टू -2 अपॉन 0, नीचे में 0 थे, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू इन्फिनिटी को मोड से बाहर करें तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। हम लोग जानते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू, टेन के केस में इन्फिनिटी कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 10π/2 का, ये 10 से 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम लोग अल्फा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा। अब इससे आगे देखिए, और देखिए जब हम लोग अल्फा का वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्या करें, थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे कि जेड किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, जेड हम लोग क्या था, 0 - 2i है, तो देखिए रियल पार्ट क्या है, प्लस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस में। ये प्लस माइनस देखिए, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस जो है हम लोगों को, देखिए प्लस माइनस क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करते, वहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे सिंस जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है, π/2, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया, -π/2। और लिखेंगे देयरफॉर पोलर फॉर्म, लिखेंगे देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या होता है, बताइए, आर, और यहाँ ब्रैकेट में रहेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो देखिए आर का वैल्यू हम लोग कितना मिला था, 2 मिला था, और ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, -π/2 प्लस आई साइन -π/2। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, कॉस के साथ यहाँ पे नेगेटिव एंगल है और यहाँ पे साइन के साथ नेगेटिव एंगल है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कि हम लोग जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और सेक ऑफ माइनस थीटा यानी कि सेक थीटा होता है। कॉस और सेक के साथ यदि नेगेटिव एंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाद बाकी सारा एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यदि यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, पीछे माइनस आ जाएगा। सिर्फ कॉस और सेक में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाद बाकी में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये ट्रिगो का फॉर्मूला है, तो जगह 2, देखिए कॉस ऑफ ये समझिए कि थीटा है, क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो नेगेटिव कॉस और सेक के साथ यदि नेगेटिव एंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कॉस π/2 प्लस। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, आई साइन क्या है, आई साइन क्या है, -π/2, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो प्लस नहीं यहाँ पड़ेगा, क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा, देखिए क्या है, थीटा है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन ये π/2। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। यहाँ फिर समझिए कि कॉस के साथ जब नेगेटिव एंगल रहेगा तो ये पॉजिटिव होगा, और साइन के साथ नेगेटिव एंगल है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आया तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन π/2।
आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।